दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, जब भी कोई ये शब्द कहता है तो सबके दिमाग में बस एक ही आदमी की इमेज आती है, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। वही नॉर्थ कोरिया जिसकी जीडीपी सिर्फ 48 बिलियन डॉलर्स की है, जो दुनिया में 135वें नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जीडीपी का आधा हिस्सा सिर्फ मिलिट्री पर ही खर्च करता है। जिस देश में यंग लड़कों को 2 इंच से बड़े बाल रखने की परमिशन नहीं है, जहां सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही अपने पास मोटर व्हीकल्स रख सकते हैं, जहां लोगों को इंटरनेट तक की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, वो है नॉर्थ कोरिया। लेकिन क्या कोई सोच भी सकता है कि यही नॉर्थ कोरिया दुनिया की जानी मानी कंपनीज में से एक सोनी पिक्चर्स के सर्वर्स को हैक कर सकता है, और यही नॉर्थ कोरिया बांग्लादेश की बैंक के सर्वर्स को हैक करके $1 अरब की चोरी करने की कोशिश कर सकता है। वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में लॉज कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ के लोगों को छोटी छोटी चीजों की फ्रीडम भी नहीं दी गई है। नॉर्थ कोरिया में 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को सिर्फ इसीलिए जेल में रखा गया है क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया था। नॉर्थ कोरिया में अगर आप वहाँ के लीडर के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हो ना, या किसी भी तरह से उनकी इंसल्ट करते हो, तो आपको मौत की सजा सुनाई जाएगी। अब सोच के देखो, एक आदमी जो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, आप उसकी इंसल्ट करने के लिए पूरी एक फिल्म बना दो तो? कुछ ऐसा ही किया सोनी पिक्चर्स ने जब उन्होंने द इंटरव्यू नाम की एक फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया। तो देखो, कहानी शुरू होती है मार्च 2013 में, जब द इंटरव्यू नाम की एक मूवी का अनाउंसमेंट किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2013 में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। इस फिल्म को 3 कंपनीज मिलकर प्रोड्यूस कर रही थी, कोलंबिया पिक्चर्स, एल स्टार कैपिटल और पॉइंट ग्रे पिक्चर्स। लेकिन उस टाइम पर ना इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये फिल्म नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के ऊपर बनाई गई थी, में दिखाया गया था कि कैसे अमेरिका से 2 रिपोर्टर्स किम जोंग उन का इंटरव्यू लेने जाते हैं और फिर यूएस गवर्नमेंट के कहने पर किम जोंग उन को मारने की साजिश करते हैं, और आखिर में किम जोंग उन की मौत भी दिखाई गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी सोनी पिक्चर्स ने बाद में इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथों में ले लिया, और इसी के चलते मार्च 2014 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर सोनी ने ये फिल्म रिलीज की तो नॉर्थ कोरिया यूएस के खिलाफ एक्शन लेगा। और इसके चलते सोनी पिक्चर्स ने रिलीज को अक्टूबर से बढ़ाकर दिसंबर तक डिले कर दिया, और फिल्म में कुछ एडिट्स भी किए गए ताकि फिल्म को नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जा सके। लेकिन एडिटिंग के बाद भी किम जोंग उन का डेथ सीन नहीं हटाया गया, बस उसमें कुछ माइनर चेंजेस ही किए गए थे। अब इसके बाद दिन आता है 24 नवंबर। 24 नवंबर के दिन जब सोनी पिक्चर्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज सोनी पिक्चर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जो कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में मौजूद है, और अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा हुआ था हैक्ड बाय #GOP। अब देखो, GOP बेसिकली इस पूरे हैकिंग ग्रुप का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है गार्जियंस ऑफ पीस, जिसको लेजारोस ग्रुप भी कहते हैं। अब इसके आगे और भी कई चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि हमने तुमको पहले ही वार्निंग दी थी और ये तो बस शुरुआत है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, हमने तुम्हारा पूरा डेटा हासिल कर लिया है और तुम्हारे सभी टॉप सीक्रेट्स भी, अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो हम वो पूरा डेटा दुनिया के सामने रिलीज कर देंगे। अब इसके 3 दिन पहले 21 नवंबर को सोनी पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव्स को एक मेल आया था, जिसमें कुछ लोगों ने पैसे की डिमांड की थी और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। लेकिन ज्यादातर एग्जीक्यूटिव्स ने उस मेल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रोज उनके पास हजारों के नंबर्स में मेल आते रहते थे, इसलिए उन्हें लगा कि ये कोई स्पैम मेल होगा। 24 नवंबर को जो सोनी पिक्चर्स के सभी सिस्टम हैक हुए थे, उसमें जो मैसेज आया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आज रात 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, डिसाइड कर लो कि क्या करना है। हालांकि सोनी पिक्चर्स ने उस दिन कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही इंटरव्यू फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई। अब इसके बाद हैकर्स ने सोनी का बहुत सा इंटरनल डेटा इंटरनेट पर डंप कर दिया। उन्होंने 5 मूवीज भी लीक कर दी, जिसमें से 4 तो अभी थिएटर्स में रिलीज भी नहीं हुई थी। इसके अलावा सोनी में काम करने वाले लोगों के कुछ ईमेल्स भी लीक हो गए, जिनमें काफी कॉन्ट्रोवर्शियल और एम्बैरसिंग बातें कही गई थी। अब इसमें से एक मेल कंपनी के को चेयरपर्सन का भी था, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट बराक ओबामा पर कोई रेसिस्ट कमेंट किया था। इस सब के बाद इंटरनेट पर सोनी की काफी बदनामी हुई थी और कंपनी की को चेयरपर्सन ने अपनी पोजीशन से रिजाइन भी कर दिया था। एक बात ये
भी पता चली थी कि सोनी पिक्चर्स में फीमेल एक्टर्स को मेल एक्टर्स के मुकाबले कम सैलरी दी जाती है। खैर इसके बाद भी सोनी ने द इंटरव्यू फिल्म के रिलीज को नहीं रोका। इसके बाद आता है दिन 16 नवंबर 2014 का। जीओपी के हैकर्स की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अगर इंटरव्यू फिल्म को रिलीज किया गया तो अमेरिका में सितंबर 11 2001 वाली मंजर दोबारा से रिपीट होगी। अब जहां जहां भी ये इंटरव्यू फिल्म दिखाई जाएगी वहां वहां के लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। आने वाले समय में जो भी होगा वो सिर्फ सोनी पिक्चर्स के लालच की वजह से होगा और पूरी दुनिया सोनी पिक्चर्स की निंदा करेगी। तो यहां पर एक तरह से ये गार्जियंस ऑफ पीस यूएस में टेररिस्ट अटैक्स करवाने की धमकी देते हैं और यहां से ना बात काफी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक की बात से अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि एनएसए और एफबीआई भी इन्वॉल्व हो गई। अब क्या हुआ ना कि जीओपी के अटैक करने की धमकी के कारण बहुत से अमेरिकन मूवी थिएटर चेन्स ने इंटरव्यू मूवी की स्क्रीनिंग करने से मना कर दिया। इस वजह से सोनी पिक्चर्स ने फिल्म की रिलीज को रोक दिया। इसके बाद 19 दिसंबर 2014 को अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपनी एक प्रेस रिलीज के दौरान इस पूरे मामले पर बोलते हैं। वो कहते हैं कि सोनी पिक्चर्स को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है और मैं उनसे सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि उन्हें फिल्म के रिलीज को रोकना चाहिए था। हम एक ऐसा समाज नहीं चाहते जहाँ पर किसी दूसरे देश में बैठा हुआ तानाशाह अपनी सेंसरशिप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में थोपे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका जवाब उन्हें जरूर देंगे और सही समय पर सही जगह पर देंगे। हालांकि बराक ओबामा के इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में सोनी पिक्चर्स के सीईओ माइकल लिंटन ने कहा कि पब्लिक प्रेस और प्रेसिडेंट हमें गलत समझ रहे हैं। हमने फिल्म के रिलीज को इसलिए नहीं रोका कि हम हैकर्स की धमकियों से डर गए हैं, बल्कि इसीलिए रोका है क्योंकि ज्यादातर थिएटर्स द इंटरव्यू फिल्म की स्क्रीनिंग करने से पीछे हट रहे थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं और हमारी हमेशा से ही ये इच्छा रही है कि अमेरिकन पब्लिक इस मूवी को देखे। और दोस्तों इसके बाद दिसंबर 23 2014 को सोनी ने करीब 300 इंडिपेंडेंट थिएटर्स को सिलेक्ट किया, जहां पर उन्होंने 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे वाले दिन द इंटरव्यू मूवी को थिएटर्स में रिलीज करने का प्लान किया। अब इसके एक दिन पहले 24 दिसंबर को द इंटरव्यू को गूगल प्ले और यूट्यूब पर भी रिलीज करने का प्लान किया गया। खैर इसके बाद हैकर्स की तरफ से कोई भी अटैक नहीं हुआ और उल्टा इस सब के चक्कर में फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी और मिल गई। इसके बाद 27 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया के नेशनल डिफेंस कमीशन ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा को इस सब का जिम्मेदार बताया और कहा कि बराक ओबामा ने ही सोनी पिक्चर्स को फोर्स किया कि वो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करे। अब यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि हैकर्स ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि वो नॉर्थ कोरिया से या उनका नॉर्थ कोरिया से कुछ लेना देना है, तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराया? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। रीजन नंबर वन, हैकर्स ने पैसों की जगह सिर्फ मूवी के रिलीज को कैंसिल करने की डिमांड की और मूवी में किम जोंग उन का असैसिनेशन दिखाया गया है, तो यहाँ पर लॉजिकली सोचे ना तो नॉर्थ कोरियन हैकर्स के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। रीजन नंबर टू, इसके पहले मार्च 2013 में साउथ कोरिया में भी कुछ साइबर अटैक्स हुए थे और उनमें जो टूल्स यूज किए गए थे ना वही सेम टूल्स सोनी पिक्चर्स पर हुए साइबर अटैक में भी यूज किए गए थे, तो इससे भी नॉर्थ कोरिया का इस केस से लिंक होना पता चलता है। इसके अलावा एफबीआई ने कुछ आईपी एड्रेसेस को भी ट्रैक किया था जिनका ओरिजिन नॉर्थ कोरिया में ही था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया के किसी हैकर्स के ग्रुप ने सिर्फ किम जोंग उन का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो और इसमें किम जोंग उन या फिर गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई भी हाथ ना हो। तो देखो इस पर एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट एक्सेस पर गवर्नमेंट का बहुत टाइट कंट्रोल है, तो ऐसे में कोई बिना नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की परमिशन के वहां के आईपी एड्रेस से ये सब कर ले, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते यूएस ने पूरा ब्लेम नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को दिया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया न्यूज एजेंसी KCNA ने इन एलिगेशंस को वाइल्ड रूमर्स कहते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इससे यूएस और नॉर्थ कोरिया का रिलेशन जो पहले ही खराब थे वो और भी खराब हो गए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद नॉर्थ कोरिया का नाम किसी हैकिंग के मामले में सामने ना आया हो। साल 2016 में बांग्लादेश की बैंक पर एक साइबर अटैक हुआ था जिसमें लगभग $1 बिलियन की चोरी की कोशिश की गई थी, उसमें भी नॉर्थ कोरिया का लिंक बताया गया था। अब बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी में इन साइबर अटैक्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इन्हीं की मदद से वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। साल 2017 में CNBC ने इसी चीज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने 5 ways के बारे में बताया था जिनसे नॉर्थ कोरिया पैसे कमाता है, जिसमें से एक साइबर क्राइम भी था। तो नॉर्थ कोरिया भले ही इस बात से डिनाई करता हो, लेकिन ये बात तो 100% सच है कि
सिकारुस ग्रुप दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैकिंग ग्रुप्स में से एक है, और हो ना हो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनके पास जरूर होगा, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप वाले देश में कोई भी ऐसा काम बिना गवर्नमेंट की हेल्प से नहीं कर सकता। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, सोनी पिक्चर्स को हैक करने के पीछे नॉर्थ कोरिया का ही हाथ था या किसी और का हाथ था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे अगर आपको कभी मौका मिले नॉर्थ कोरिया जाने का तो आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहोगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो, और अगर नहीं जाना चाहोगे तो क्यों नहीं, नीचे कमेंट बताओ। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन पर काफी सारे वीडियोस बना दिए हैं जिनमें बहुत सारी खरी खोटी बातें भी मैंने बता दी है, तो मैं वापस जिंदा लौट भी नहीं पाऊंगा। बाकी आप अपने बारे में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल बटन देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है नॉर्थ कोरिया के असली तानाशाह के बारे में, कि किम जोंग उन के पीछे असल में कौन छिपा है, कौन है जो नॉर्थ कोरिया को असल में कंट्रोल करता है। क्योंकि ये जो किम जोंग उन है ना, ये बच्चा सा दिखता है और ये हरकतें भी वैसे करता है, ये कोई तानाशाह लगता ही नहीं है, लेकिन इसके बगल की ये लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। यहाँ पे टैप करो और जाके देखो, बहुत ही तगड़ा वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।